घर के लिए प्रिंटर खरीदने की सोच रहे हो? भाई है ना, सब बताएगा। प्रिंटर्स के साथ जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि इनकी जो कार्ट्रिज है वो बहुत महंगी आती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 832 रुपये की एक कार्ट्रिज है, और जब आप कलर्स के साथ इसका सेट खरीदते हैं तो वो कार्ट्रिज और महंगी हो जाती है। और महंगी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो प्रिंटर होते हैं इनकी कार्ट्रिजेस जल्दी सूखती है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको हर 4 से 5 महीने में एक नई कार्ट्रिज का सेट खरीदना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल कार्ट्रिज लिए, अगर आप ओरिजिनल कार्ट्रिज यूज़ नहीं करते तो आप प्रिंटर के हेड्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर आप ओरिजिनल कार्ट्रिज खरीदते हैं तो वो आपको लगभग 1500 रुपये की पड़ती है, जो कि साल का 3000 रुपये के आसपास आपका खर्चा आ जाता है। एक प्रिंटर जब आप खरीदते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका कम से कम 5 से 7 साल चलेगा ही चलेगा। और अगर हर महीने हर साल अगर आप इतना खर्चा कार्ट्रिज के ऊपर कर रहे हो और आपका प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये प्रिंटर लॉन्ग रन में आपको महंगे ही पड़ते हैं। अब दूसरी तरीके के प्रिंटर के पास हम आते हैं जो इंकजेट या इंक टैंक प्रिंटर कहलाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर एक छोटी सी टंकी होती है जिसके अंदर आप इंक लगाते हैं और इंक भरी जाती है, जिससे कि इंक का बार बार सूखने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका बजट क्या है, आपके रिक्वायरमेंट क्या है और आपको कौन सा प्रिंटर लेना है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।